ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर एक अरब देश है। 2010 में ओमान को पिछले 40 वर्षों में दुनिया के सबसे उन्नत राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया था। तो आइए दोस्तों जानते हैं ओमान देश से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां। ओमान सुल्तान कबाबोस बिन सेंद के सुल्तान मध्य पूर्व में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले शासक थे। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। पर्यटन के साथ मछली, खजूर और कुछ कृषि उत्पादों का व्यापार ओमान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि इसके पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन पूरी तरह से तेल निर्भर अर्थव्यवस्थाएं हैं। ओमान ग्रह सबसे पुराने मानव निवास स्थानों में से एक है। दोस्तों यह अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य कम से कम 1,06,000 वर्षों से इस देश में रह रहा है। यह अरब देश दुनिया में सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य भी है। ओमान में रहने वाले 75% लोग मुसलमान हैं। ओमान का पहला विश्वविद्यालय सुल्तान कबाबोस विश्वविद्यालय 1986 में खोला गया था। यहाँ की लिटरेसी रेट 91% है। ओमान में बेहला नामक एक शहर को बर्तनों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। ओमान के 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के पक्षी देखे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ के करेंसी को ओमानी रियाल कहा जाता है। मस्कैट क्लॉक टावर आधुनिक ओमान में सबसे पुराना स्मारक है। 1996 के संविधान के राज्य के मूल कानून के तहत ओमान एक पूर्व सल्तनत है। ओमान के राष्ट्रीय प्रतीक में खान राजों को पार करने की एक जोड़ी है। यह प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज और अन्य सरकारी लोगों पर भी प्रयोग किया जाता है। यह मानवता और बहादुरी का प्रतीक है। दोस्तों यदि आप इसे खरीदने में रुचि रखते हैं तो असली खंजर आपको 500 ओमानी रियाल में मिलेगा। ओमन संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के सदस्य भी हैं। ओमन में लगभग सभी संकेत और लेखन अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में दिखाई देते हैं। तेल और गैस ओमान के प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं, जबकि तांबे को सीमित मात्रा में भी निर्यात किया जाता है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि ओमान सचमुच एक आतंकवाद मुक्त देश है। मानो या नहीं, ओमान एक ऐसा देश है जहां अपराध लगभग ना के बराबर है। ओमान प्रतिदिन 9,00,000 बैरल तेल का उत्पादन करता है। ओमानिस को दुनिया में सबसे महान जहाज निर्माण करने वालों का श्रेय दिया जाता है। ओमानिस न केवल जहाज निर्माण के उद्योग का अभ्यास किया बल्कि उन्होंने इसे परिपूर्ण भी किया। उनके जहाज दुनिया भर में चलाए गए और सूर जैसे कुछ ओमानी तटीय शहरों को विश्व स्तर पर जहाजों के केंद्र और जहाज की मरम्मत के रूप में जाना जाता था। आज ओमानिस धरती पर सबसे अच्छे जहाज निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों ओमान का सबसे फेवरेट ड्रिंक कोका कोला और पेप्सी नहीं है बल्कि माउंटेन डियो है। खतरनाक अरब ओरिक्स एक अनूठा कंधे, लंबे सीधी सिंह और एक गुच्छेदार पूंछ के साथ एक सफ़ेद एंटीलोप है। वे अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तान में रहते हैं जो ओमान में सबसे प्रसिद्ध हैं। वे देश के राष्ट्रीय पशु हैं और प्रसिद्ध ओमानी गैस स्टेशनों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों यह थी ओमान देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों आप अपने कमेंट नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण, दिलचस्प और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बिना देर किए मेरे इस YouTube वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक जानकारियां पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।